फरहीन हुसैन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराज्यपाल ने कहा है कि द्वीपों का चहुमुखी विकास उनका लक्ष्य है। सरकार ने मनरेगा को और विस्तार देने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और 2005 से पहले छापे गए नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2015 तय की गई। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने कहा है कि द्वीपों के निरंतर विकास के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और यहां का चहुमुखी विकास उनका लक्ष्य है। वे आज शाम राजनिवास में द्वीपों के युवा पत्रकार संजीव राय की पत्रिका अंडमान लेगेसी के विमोचन के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को द्वीपों की ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने सभी द्वीपवासियों से अपील की कि वे द्वीपों के विकास से संबंधित सुझाव उन्हें दें जिन्हें अमल में लाया जाएगा। पत्रिका के संपादक संजीव राय ने बताया कि इस पत्रिका में द्वीपों के विकास, सामाजिक मुद्दों और अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। इससे पहले उपराज्यपाल ने द्वीपों के प्रतिभावान कलाकार संहिता वेद आचार्य के पहले संगीत एल्बम अल्फाज का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रभारी मुख्य सचिव रीना रे के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को और विस्तार देने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। लोकसभा में बहस के दौरान जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मनरेगा के लिए अक्टूबर तक 26,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार की ओर से मनरेगा के तहत पैसों के भुगतान में देरी हो रही है। मंत्री ने कहा कि दरअसल कई राज्य मनरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके चलते देरी होती है। श्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार मनरेगा के लाभार्थियों को पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों के जरिए करने जा रही है, जिससे उन्हें समय पर पैसे मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मनरेगा के स्वरूप को और व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने हाल ही में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में फोरम के अध्यक्ष मनोहर सिंह और सदस्य वासुदेव दास ने प्रशिक्षणार्थियों को बिजली के बिलों से जुड़ी शिकायतों के निवारण और बिजली संरक्षण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में डाइट के प्राचार्य लुकस रॉबर्ट ने प्रशिक्षणार्थियों को इस बारे में जागरूक रहने की जरूरत पर बल दिया। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कल दिन में 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी तथा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। समारोह में हाल ही में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण निदेशालय की ओर से किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और वार्ड संख्या 7 के नगरपालिका पार्षद महेंद्र प्रसाद ने डेयरी फार्म निवासी श्री हनीफ बख्श के निधन पर शोक प्रकट किया है। 58 वर्षीय श्री बख्श का आज सुबह उनके निवास पर देहांत हो गया। वर्ष 2005 से पहले छापे गए 500, 1000 और विभिन्न राशियों के नोट बदलने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। 2005 से पहले के नोट बदलने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2015 है। 2005 से पहले के नोट इस्तेमाल से हटाने के अभियान की शुरुआत से अब तक रिजर्व बैंक 52,855 करोड़ रुपए के 144 करोड़ नोट नष्ट कर चुका है। 2005 के बाद छपे नोटों में नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए करेंसी नोटों पर पीछे की ओर छपाई का वर्ष नहीं दिया गया है। 2005 के बाद जारी नोटों में छपाई का वर्ष पीछे की ओर नीचे की तरफ दिखाई देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कहा है कि काउंटर पर या एटीएम से 2005 से पहले की श्रृंखला के नोट जारी न किए जाएं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
आकाशवाणी खेल समाचार हिमांशु कांडपाल से सुनिए मुख्य समाचार। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दौर के मुकाबले आज से शुरू हुए। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर को एडीसी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। एथलेटिको डी कोलकाता ने पहली इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीता और भारत ने पांचवें कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताबी जीत दर्ज की।